war on terror that left us with Kalashnikovs and drugs that were used to pay for the war. We will only partner people in peace. We will not become part of any conflict. We believe that in tourism, Pakistan can make a, collect a lot of revenues, especially foreign exchange. हुकूमत संभालते ही मईशत पर तवज्जो थी, क़याम अमन से सियाहत को फायदा हुआ है। वज़ीर आज़म का जुलूस में पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग से खिताब, दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी, अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान की वस्त एशियाई मुल्कों तक रसाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी खिताब करेंगे। अमरीकी सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई है। वजीर आजम से सदर ट्रंप की मुलाकात मुफीद रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुलाकात में वजीर आजम ने FATF समेत दीगर अहम इश्यूज उठाए। लीगी रहनुमा की तनकीद पर पंजाब फूड अफसरान की फुर्तियां। आटे का ट्रक लेकर उस्मा बुखारी के घर पहुंच गए। घर के बाहर आटा रख दिया। लीगी रहनुमा ने टीवी प्रोग्राम में कहा था, आटा नहीं मिल रहा। आगे आगे देखिए होता है क्या। आटा बहरान पर उज़्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, हुकूमत ना अहल है, बहरान पैदा होते रहेंगे। लीगी रहनुमा की आज न्यूज से गुफ्तगू। आटा रखने की वजह बता दी। कल एक फूड अथॉरिटी में पहली दफा मिली उनको, कुछ साहब थे और वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आटे का बहरान पंजाब में एग्जिस्ट करता है। शायद बिल्कुल आटा अवेलेबल है। मैंने कहा, अच्छा वो अवेलेबल है तो मुझे भी भिजवा दीजिएगा एक एक थैला। अब आज इन्होंने सुबह एक ट्रक में 9:30 बजे मेरे घर के बाहर लाके खड़ा कर दिया। भाई सारी जल गई बेटा, कुछ हम दूसरा नहीं निकल। ये रात का बुन ला के हमारे को दिया है, तब हम पेला। अभी बच्चे रोड पे बैठे हुए, मदद करना चाहिए बस। तीन हट्टी के मुतासरीन ने सिंध हुकूमत और फलाही इदारों से मदद की अपील कर दी। वजीर इत्तला सईद घनी पहुंच गए, मुतासरीन से मुलाकात, ताउन की यकीन दहानी। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है, मुतासरीन को रात ही स्कूल्स में मुंतकिल कर दिया गया था। लाहौर में चक्की मालकान के खिलाफ कार्रवाइयां, दर्जनों मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एसोसिएशन ने गैर मुयना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। कहा, मुजाकरात के बावजूद छापे मारे गए। करियाना मर्चेंट्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सब्जी की कीमत तो उससे भी ज्यादा महंगी है, गैस आती नहीं, हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं अभी तक। आटा नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो आटा सही नहीं है। महंगाई हद से गुजर गया और गरीब और मजदूर के बस से बाहर हो गया, बेबस हो गए। अब लोग फाके खुशी पर आ गए। खाने पीने समेत बुनियादी अशिया की कीमतें आसमान पर। महंगी बिजली और गैस ने भी हाल बुरा कर दिया। आटा कुवत खरीद से बाहर, आवाम परेशान। ताजिर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। आटे और चीनी के बहरान पर कोयटा के मेहनतकश सरापा एहतजाज। रेलवे स्टेशन से DS दफ्तर तक रैली निकाली, धरना भी दिया। रोजान में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सरकारी नर्ख पर आटे की फरोख्त, आवाम टूट पड़े। बदनज़मी, लोगों के एक दूसरे को धक्के। करप्शन केसेस में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। नैब का ईमान, करप्शन फ्री पाकिस्तान है। चेयरमैन जावेद इकबाल की गुफ्तगू। इजलास में कहा, नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के बावजूद अफसरान के हौसले बुलंद हैं। फरियाल तालपुर मुंजमित बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए मुतहर्रिक। 3 अकाउंट्स बहाली के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दे दी। नैब ताहाल कोई जुर्म साबित नहीं कर सका। दरखास्त का मतन, अदालत ने नैब को 11 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी।